साल के अंदर 1 करोड़ रुपए, क्या ये सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वेल, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे ये सच में बहुत ज्यादा आसान है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद ना अंदर से रियलाइज होगा कि यार ये इतना ही आसान था तो आज तक हमें किसी ने बताया क्यों नहीं। और बहुत सारे लोग देखो क्रिएटर्स, कई सारी वीडियोज आपने यूट्यूब के ऊपर देखी होंगी, बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि 2 साल के अंदर आप इतना लाखों रुपये कमा सकते हो, 1 साल के अंदर इतने पैसे कमा सकते हो, बट जब हम करने जाते हैं तो वो चीज़ें उस तरह से हो नहीं पाती जितना आसान बताया जाता है। तो ऐसा भी क्यों होता है और क्यों उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके कुछ बहुत कामयाबी हासिल करते हैं, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। सो सबसे पहले तो मैं आपको पर्सनल लाइफ की स्टोरी बताता हूं कि जब मैंने शुरुआत करी थी आज से 5 साल पहले तो एक छोटे से कॉल सेंटर से शुरुआत हुई थी, 6,000 रुपए महीने की सैलरी थी। स्विच किया, थोड़ा सीखा, अपग्रेड किया, 14,000 रुपए की महीने की सैलरी हुई। और आज करते करते काम करते करते ग्रेजुअली लर्न करते करते स्किल्स को इंप्लीमेंट करते करते चीजों को 14,000 रुपए से कहीं ज्यादा आज दिन की इनकम है। ऐसा मैं ब्रैग करने के लिए या बोस्ट करने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ टॉप नॉट सीक्रेट्स, कुछ ऐसे थ्योरीज, कुछ ऐसे ज़बरदस्त बातें पता हैं जो आपको सेम चीज़ करना मतलब बहुत आसानी से सिखा सकती है, आप सेम चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि भाई दुनिया ना आज बहुत ज़बरदस्त लेवल पे बदल चुकी है। पहले के टाइम पे पैसा बचाना बहुत आसान था, पैसा सेव करना बहुत आसान था, बट आज अगर आप ये सोचो कि 1 करोड़ रुपये या 2 करोड़ रुपये आप बचा के कमा मतलब बचा लोगे, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आज पैसा कमाना आसान है, बचाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पापा जब काम करते थे ना, हमारे पेरेंट्स जब काम करते थे, उनके ज़माने में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती थी, उनके ज़माने में ऑनलाइन एप्पल खरीदा नहीं, मतलब आईफोन नहीं खरीदा जाता था, एयरपॉड्स नहीं होते थे, उस टाइम पे मिंत्रा नहीं होता था, जबैंग नहीं होता था, ठीक है, जोमैटो नहीं होता था कि खाना ऑर्डर कर लिया, कोई भी महंगी एस्पिरेशनल चीज़ें नहीं। आज के टाइम पर पूरा बदल चुका है, लोगों को दिखाना है भाई अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा फ़ोन चाहिए, उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। अपन बैठे भी होते ना, अचानक से आता है बिग बिलियन डॉलर सेल, अमेजोन के ऊपर 50% ऑफ मिल रहा है, ये हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेस खरीद रहे हैं, ठीक है, अलग अलग इवेंट्स के अंदर टिकट्स चेस करके जा रहे हैं। तो पैसा कमाते बाद में खर्चने के साधन बहुत सारे अपने पहले से होते हैं, राइट, लेकिन उस टाइम पे पैसा बचाना बहुत आसान था, घर वाले बचाते थे, और ज्यादातर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने भी किया होगा, आप कमेंट करके बताना अगर किया है तो, कि वो पैसा बचाने के बाद घर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, प्लॉट खरीद लिया, घर बना लिया, उससे क्या है मंथली एक्सपेंसेस कम हो जाते थे, ठीक है, रेंट वेंट नहीं जाता था, घर अपना हो गया। बट आज के टाइम पे बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, पैसा बचाते हैं लेकिन मंथली एक्सपेंसेस उनके बढ़ जाते हैं, अगर उन्होंने खरीद भी लिया तो फिर वो ईएमआई जाती रहती है। तो मतलब क्या है, पैसा बचाना बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर कमाना बहुत आसान है। तो चलिए ये चीज मैं आपको डेटा के साथ प्रूफ करके बताता हूं। अभी भारत के अंदर करेंटली 107 यूनिकॉर्न्स इंडिया प्रोड्यूस कर चुका है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या, जिस कंपनी का वैल्यूएशन 8,000 करोड़ का है ना, वो यूनिकॉर्न कहलाती है, मतलब 800,000 करोड़ की इकोनॉमी तो सिर्फ यूनिकॉर्न्स ने बना दिया। तो इसका मतलब सिंपल है भाई, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो पैसा कमाना बहुत आसान है। माउंट एवरेस्ट पर भी अभी तक 5,000 लोग चढ़े हैं, बट इंडिया के अंदर करोड़पति अगर आप सर्च करोगे तो 1,31,000 करोड़पति है। मतलब पैसा कमाना कंपैरेटिवली आसान है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना ज़्यादा मुश्किल है। बट हम कैसे कमाएंगे, कैसे ये आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट होगा, 6 स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स जिनको आपने फॉलो करना है। चलिए पहले स्टेप से शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ क्या है कि आपको कोई ना कोई एक स्किल को पकड़ के उसके ऊपर एक्सेलेंस हासिल करनी पड़ेगी। कोई एक स्किल पकड़ लो और उसके ऊपर आपको मास्टर बनना पड़ेगा कि आपकी फील्ड के अंदर कोई भी इंसान आपका हाथ ना पकड़ पाए। मैल्कम ग्लैडवेल एक किताब लिखते हैं जिसके अंदर आउटलायर्स नाम है उस किताब का, द स्टोरी ऑफ सक्सेस, राइट। उस किताब के अंदर वो बहुत बार जिक्र करते हैं इस बात का कि अगर आपको किसी स्किल के अंदर अपना एक्सेलेंस हासिल करना है ना, तो आपको 10,000 घंटे काम करना पड़ेगा उसी स्किल को डेवलप करने के लिए। 10,000 घंटे तक उसी के अंदर आपको अपनी पूरी जिंदगी झोंकनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी स्किल हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, सेल्स हो, लीडरशिप हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो, ठीक है, आपकी वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, एनीथिंग, उस स्किल के अंदर आपको 10,000 घंटे का काम करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सेलेंट हो सकते हैं और आपको जबरदस्त पैसे मिल सकते हैं। बट देन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यार आप देखो ना कि बहुत सारे ऐसे YouTube क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत जल्दी करोड़ों रुपए कमा लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे Instagram के ऊपर इन्फ्लुएंसर जिनके ब्रांड कोलैबोरेशन की वजह से उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। सबको छोड़ो, TikTok के ऊपर ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बन गए जिन्होंने ब्रांड कोलैबोरेशन से करोड़ों रुपए कमा लिए। तो क्या वो बहुत ज्यादा जबरदस्त, क्या उन्होंने 10,000 घंटे दिया था उस स्किल को? नहीं। तो यहीं पे मैल्कम ग्लैडवेल ही ये चीज बोलते हैं कि भाई 10,000 घंटे सिर्फ उन स्किल्स को दो जो कि बहुत रेयर स्किल्स है, जैसे मान लो आप कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हो गई, ठीक है, कोई बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट बजाना हो गया, कुछ ऐसा स्किल जिसको सच में बहुत टाइम चाहिए, उन स्किल्स पे तो आप 10,000 घंटे दोगे। बट आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आप कुछ ही महीनों में सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, सबटाइटलर्स हो गए, ऐप डेवलपमेंट हो गया, काफी सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आप महीनों के अंदर सीख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा इस वीडियो के अंदर जिससे आपको दिखेगा कि जो मैं बोल रहा हूं उनको आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है, कुछ लोगों के एग्जांपल्स लूंगा और देखेंगे कि क्या उन्होंने सच में स्किल्स के ऊपर फोकस किया। पहला एग्जांपल लेते हैं हम MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे का।
आपने ये चीज देखी होगी कि चाय बनाने में पता नहीं कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी चाय बनाती है, बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना है लेकिन शायद ही चाय पी होगी, ठीक है। लेकिन एक स्किल उनके अंदर बहुत जबरदस्त है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो है उनका खुद को सेल करने की स्किल। कहीं भी जाते हैं तो वो सामने वाले इंसान के ऊपर एक इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं, राइट। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो आर्यन त्रिपाठी का, जिनके साथ अभी मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया था, बहुत अच्छे उसके ऊपर रिव्यूज आए। तो उस इंसान ने भी 18 साल की उम्र में जब 10 करोड़ की कंपनी बनाई, क्या स्किल है? दो स्किल्स, एक तो फेसबुक एड्स के ऊपर उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मास्टरी हासिल करी, दूसरा उनकी कम्युनिकेशन इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने हाई पेइंग क्लाइंट्स बनाए, राइट, हाई पेइंग क्लाइंट्स को पिच किया, क्लोज किया, डील्स लेके आए। तीसरा एग्जांपल आप मेरा खुद का ले लो कि यहां पे जब मैंने अपने काम को करना शुरू किया तो मैंने नेटवर्किंग स्किल्स, मैंने सेल्स स्किल्स, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप मैनेजमेंट, इन चीजों को मास्टर किया। तो यहां पे एक बात समझ आती है कि भाई स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्किल्स के ऊपर आप जाके एक बार चेक कर लेना, अगर एक एग्जांपल लेते हैं वीडियो एडिटिंग का, आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, आपको पता है भारत के अंदर एक नॉर्मल वीडियो एडिटर, जो मेरे भी वीडियो एडिटर है, जब वो फ्रीलांस करते थे, उनसे मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले, वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले उनसे बात करी कि फ्रीलांस के अंदर उनको एक वीडियो का कितना पे किया जाता था। तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि भाई 5,000 रुपये बड़े आराम से एक वीडियो का पे कर दिया जाता है, राइट। और मेरे से कुछ जो हायर स्किल्स है, जिनके अंदर और ज़्यादा स्किल्स हैं, वो 10,000 रुपये भी चार्ज करते हैं। मैं एवरेज लेके चलता हूँ, अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन जाते हैं जिसको सीखने में आपको 3-4 महीने का टाइम लगने वाला है, तो 5,000 रुपये अगर एक वीडियो का मिलता है तो आप सोचो कि 3 साल में आपको कितनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कितनी वीडियो को एडिट करना है। खुद कैलकुलेट करो कि 1 करोड़ रुपए अगर 3 साल में कमाने हैं और एक वीडियो का आपको 5,000 रुपया मिल रहा है, तो आपको कितने बनाने हैं? 2,000 वीडियोस बनानी है, 2,000 वीडियोस को एडिट करनी है। अब इसको भी अगर हम डिवाइड कर दें कि 2,000 वीडियोस अगर 3 साल में करनी है तो 1 साल के अंदर आपको कितनी वीडियोस एडिट करनी है, और ये मैं रफली ऐसे हवा में बात नहीं करना, freelance.com पे जाएंगे ना, freelancer.com पे, तो वहां पे जितने भी स्किल्स मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लग जाएंगे, वो स्किल्स एक्चुअली इतना ज्यादा पैसा मांगती है। पर आवर लोग $30-$30 चार्ज कर रहे हैं, तो पर आवर अगर लोग, मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पे $20 भी चार्ज करते हैं, तो 1 घंटे का 1600 रुपया, तो 8 घंटे का लगा लो आप कितना हिसाब बनेगा, लगभग 12,000 रुपये के आसपास, ऑन एन एवरेज 10,000 भी होते हैं। तो 1,000 वीडियोज एडिट करनी है अगर आप अच्छे स्किल्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन के अंदर ये स्किल आ जाएगी, टाइम लगेगा, पॉलिश पहले दिन से कोई आपको 10,000 रुपये नहीं देने वाला, बट जब देना शुरू करेगा इंसान तो 1,000 वीडियोज मल्टीप्लाइड बाई 10,000 रुपया बन गए 1 करोड़ रुपये। अब अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में कितने दिन होते हैं, लगभग 1100 दिन, 1095 डेज होंगे, ठीक है। तो 1,000 दिन में 1,000 वीडियोस करनी है, मतलब एक दिन का आपको एक वीडियो करना है और आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आप किसी भी स्किल को ऑप्ट कर सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग देख सकते हो, आप उसके अंदर SEO देख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग वाले स्किल को ऑप्ट कर सकते हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट वाले स्किल को ऑप्ट कर सकते हो, और अपने स्किल को जाके आप चेक कर लो कि मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है। एक बार डिमांड समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना आपको काम करना है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताना कि हाँ ये बहुत तरीके से क्लियर हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये इतना ही आसान है तो हम करते क्यों नहीं है, नॉर्मल पीपल लाइक अस, व्हाई डोंट वी फॉलो दीज थिंग्स, क्यों हम स्किल्स के पीछे नहीं जाते हैं। और इस स्किल वाली पॉइंट को प्रैक्टिकली प्रूफ कर चुका हूं, मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए, तीनों इंसान के अंदर आप ये चीजें देख सकते हो कि क्या उन्होंने स्किल्स के ऊपर काम किया, क्या उन्होंने स्किल्स को एक्सेलेंस किया। अगर हाँ तो आप समझ लो कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत सच्चा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि अगर ये चीज़ें इतनी ही आसान है तो हम करते क्यों नहीं भाई, अगर इतना ही आसान है कि एक स्किल को सीखो, मेहनत करो और आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, तो हम करते क्यों नहीं? क्योंकि हम जनरल एजम्पशंस के अंदर, जनरल सजेशंस के अंदर, जनरल जो बिलीफ है ना लोगों का, उसके अंदर फंस जाते हैं। जनरल बिलीफ से एक एग्जांपल अपना ही लेता हूं कि जब मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया था, तो आपको सच्चाई बता रहा हूं, जब मैंने, मतलब कोई भी इंसान YouTube के ऊपर काम करना शुरू करेगा थोड़ा बहुत चेक करेगा, गूगल के ऊपर डालेगा कि कितने दिनों में पैसा कमा सकता हूँ, कितने दिनों में 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, कितने दिनों में मेरे को पैसा आना शुरू होगा। तो मोस्टली जो वीडियोस मुझे दिखी, मोस्टली जो मेरे को वो व्लॉग्स होते हैं ना कोरा के ऊपर लोगों ने पूछा होता है, तो वहां पे सब नेगेटिव कि भाई बहुत मेहनत लगेगी, 4 साल लग जाएंगे, आप बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाओगे तब भी जाके लोग आपको देखेंगे नहीं, 4-4 साल लग जाएंगे आपको 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचने में। अगर वो चीज़ें मैंने सच मान ली होती ना तो मैं कभी भी YouTube पे शुरुआत ही नहीं करता। तो बात यह है कि जनरल अजम्पशंस मोस्टली गलत होते हैं, ठीक है। जनरल अजम्पशंस जो होते हैं हमेशा 99% केसेस में गलत होते हैं, ये मान के चलो, अगर सही होते हैं ना तो सब कामयाब हो जाते हैं। तो लोगों का अजम्पशन होता है कि भाई डिग्री ले लो, ठीक है भाई बढ़िया ग्रेड्स होने चाहिए स्कूल के अंदर, भाई बढ़िया जॉब होनी चाहिए, बट ये सच्चाई नहीं है, ठीक है। अगर आप 50 साल की उम्र में भी चाहते हो ना कि आप वीडियो एडिटिंग सीखो, तो आपको दुनिया बोलेगी कि नहीं नहीं 50 साल की उम्र हो गई है तुम्हारी, तुम क्यों वीडियो एडिटिंग सीखोगे, पागल हो गए हो क्या, नए फील्ड के अंदर क्यों जाना है तुमको। लेकिन जनरल अजम्पशंस याद रखना बिल्कुल गलत होते हैं। आप 50 साल की उम्र में भी चाहो अगर वीडियो एडिटिंग सीखना तो आप सीख सकते हो, एक स्किल है, कभी भी सीख सकते हो। जैसे जनरल लोगों के थॉट्स होते हैं कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, मतलब कम से कम 5-10 साल लग सकते हैं इस फील्ड के अंदर तुझे कुछ करने में, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। एक बात बताऊँ, पार्किंसन लॉ होता है एक, यहीं से एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि
जो काम करने के लिए आप जितना टाइम अलॉट करोगे ना, पार्किंसन लॉ कहता है कि जो काम करने के लिए जितना टाइम अलॉट करोगे वो काम अपने आप उतने टाइम के अंदर हो जाता है। मतलब कोई काम आपको करना है, ठीक है, कोई कोर्स आपको कंप्लीट करना है, लेट्स सपोज वो आपको लगता है कि 2 महीने में होने वाला है, बट अगर आप ये दिमाग में थॉट डाल दोगे कि मुझे इस कोर्स को सिर्फ 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो वो दिमाग अपने आप एडजस्ट कर लेगा, आपके बाकी सारे काम अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप बोलोगे कि भाई अगर मैंने 10 दिन के अंदर नहीं किया, एग्जाम्पल ले लो ना यार, जब हमारे वो एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, अपने को पता होता है कि भाई 2 महीने पढ़े हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, जब हमारे 10 दिन बचे रहते तब हम कहते हैं, और सिलेबस 6 महीने का था बट 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में भी पढ़ने बैठेंगे तो हम उसको कई बार कंप्लीट कर देते हैं। इसको बोलते हैं पार्किंसन लॉ। इलॉन मस्क ने भी ये बात बोली थी कि आपके जो 10 साल के गोल है ना, उस 10 साल के गोल को ये आप टारगेट ले लो कि मैं 6 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। बी वेरी वेरी एम्बिशियस कि 6 महीने में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। 6 महीने में हो सकता है आप वहां तक ना पहुंचो, बट आप बहुत सारे लोगों के गोल से बहुत आगे पहुंच जाओगे अगर इस तरह का थॉट प्रोसेस रहा तो। मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा काम करना है, ठीक है, आपको वो स्किल को सीखना है, आपको स्मार्टली थोड़ा सा काम करना है, एंड 1 करोड़ रुपए कमाना 3 साल के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इतना याद रखना है कि आपको राय मंत्री की बात नहीं माननी है, क्योंकि भारत में राय और चाय बिल्कुल फ्री में मिलती है, तो लोगों की बात मत मानो, नहीं तो बात सिर्फ उनकी मानो जिनके जैसा आप खुद बनना चाहते हो। ऑलराइट, वेल आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि ये स्किल्स तो आप बता रहे हैं सर, लेकिन ये स्किल्स एग्जैक्टली कहाँ से सीखे, क्योंकि आज के टाइम पे ये सीखना भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग भी अगर आप सीखने जाते हैं तो 40,000-40,000 रुपये कोई इंस्टीट्यूट, छोटा मोटा इंस्टीट्यूट भी होगा, चाहे उसके ट्यूटर ने खुद अपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बनाई हो चाहे ना बनाई हो, लेकिन 40,000-40,000 रुपये चार्ज करे जाते हैं। मैं आपको एंड में, इस वीडियो के एंड में, एक ऐसी ज़बरदस्त वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पे जितने भी स्किल्स मैंने बताए, बहुत सारे स्किल्स, ट्रेंडिंग स्किल्स आप सीख सकते हो बहुत सस्ते दामों में, वो मार्केट एक्सपर्ट से जिनका नाम आपने 100% सुना होगा, ठीक है, उनके बारे में डिजिटली आप जानते होंगे, उनसे आप सीख सकते हैं, तो एंड में बताऊंगा, टिके रहना। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, क्योंकि ये आपकी 3 साल की जर्नी होने वाली है, 3 साल वो तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है ये 4 साल की हो, 5 साल की भी हो, सकता है 2 साल में भी आप कर लो, बट ये जितना भी टाइम लगने वाला है, ये टाइम बहुत सारे डाउनफॉल्स आएंगे, बहुत सारा डिमोटिवेशन आएगा, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आने वाला है, बहुत बार आप एकदम मतलब ब्रोकन फील करने वाले हो कि यार कुछ बचा ही नहीं है, तो इस टाइम को कैसे आपको मेंटली इफेक्ट नहीं होने देना, आपको अपने मेंटल स्ट्रेस से अपने आप को बचाना है, ठीक है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना, तो वो पॉइंट अच्छे से समझना है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पहली चीज़, आपको कभी भी ना खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। आपकी अपनी जर्नी चल रही है, सामने वाले की अपनी जर्नी चल रही है, अगर आपके 5 दिन को आप किसी के 5 साल से कंपेयर करोगे, या फिर आपका 5 महीने हो चुके, मान लो 5 महीने हो गए काम करते हुए, आप किसी को देख रहे हो यार इसने कितना कुछ कर लिया भाई, ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है भाई, ये भी सोचो ना कि हो सकता है शायद 5 साल से काम कर रहा हो, हो सकता है शायद 10 साल से काम कर रहा हो सकता है कि उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी हो, फैमिली का सपोर्ट हो, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपके पास वो चीजें ना हो, तो आप किसी और को देख के अपने आप को बिल्कुल कंपेयर मत करना, अपनी जर्नी को अपने तरीके से जियो, हर किसी का अपना अपना टाइम होता है, अपने अपने स्पीड से चल रहा होता है इंसान, कंपेयर नहीं कर। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा ना डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा इशू है पूरे, मतलब जितने भी यंगस्टर्स हैं ना इस भारत के अंदर, सबसे बड़ा इशू यही है कि डिसिप्लिन नहीं है। हम सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उठने के बाद व्हाट्सएप खोला, यूट्यूब खोला, इंस्टाग्राम खोला, कोई रील खोल दिया, रील के बाद रील, रील के बाद रील, स्क्रॉलिंग चल रही है, चल रही है, कब वो आधा घंटा वेस्ट हो जाता है, कब 45 मिनट निकल जाते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता। तो यहाँ पे ना एक डिसिप्लिन वाली चीज़ आती है कि अगर आपको पता है कि भाई आपको 10,000 घंटे में एक्सेलेंस मिलने वाला है, राइट, अगर कोई भी स्किल हो, देखो मैंने मान लिया कि वीडियो एडिटिंग जो स्किल है वो आप 4-5 महीने में सीख लेंगे, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन जो स्किल है ना वो आप 4-5 महीने में वैसे भी नहीं सीख पाएंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है। और वीडियो एडिटिंग मैंने बहुत बढ़िया सीख लिया, मुझे फ्रीलांस करना है, ठीक है, मुझे जॉब लेनी है मान लो, तो वहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन तो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, तभी तो मैं क्लाइंट को ज़बरदस्त लेवल पे क्लोज कर पाऊँगा, मैं बता पाऊँगा कि भाई मेरे को क्यों चूज़ कर, मैं तेरे से 10,000 मांग रहा हूँ, मार्केट में महंगा है, लेकिन मैं क्यों बेस्ट हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही यूज़ आएंगी, तो उसको टाइम लगेगा। अगर वो टाइम आप अपने इंस्टाग्राम को दे रहे हो, अगर वो टाइम आप यूट्यूब पे शॉर्ट स्क्रॉल करने में दे रहे हो, समझ लो कि फिर क्या होने वाला है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। लोग आधा आधा दिन ना 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सोच रहे होते हैं कि आज के दिन हम करें क्या, ठीक है, सुबह लेट उठे, 10 बजे के आसपास उठे, उसके बाद नाश्ता करते करते सोचा कि खाऊं क्या, फिर खाया, फिर थोड़ा बहुत लेटे, फिर उसके बाद नहाने गए, मतलब ऐसा करते करते 11-12 ऐसे ही बच जाते हैं, इंसान को आधा दिन तो वहीं खत्म कर लेता है वो। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। तीसरी बात, आपको अपने काम को इंजॉय करना पड़ेगा, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेंटल स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में ना आए तो आपको अपने काम को इंजॉय करना पड़ेगा। क्यों इंजॉय करोगे आप, मतलब कैसे इंजॉय नहीं करते हैं लोग, सबसे पहला कारण होता है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो टॉक्सिक है, ठीक है, आसपास के लोग अच्छे नहीं है, लोग अगर बहुत बुरे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां पे, तब तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप वो चीजें कर नहीं पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो चीजों को
करने में, मतलब होने में, कि आप कोई काम कर रहे हो, मान लो आप सेल्स फील्ड के अंदर हो, ठीक है, आप मार्केटिंग के अंदर हो, आपसे वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप ऐसे सिचुएशन के अंदर है जहाँ पे टॉक्सिक लोग हैं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, फिर तो उसको चेंज कर लो चुपचाप। आप पेड़ नहीं हो, आप इंसान हो, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को बदल सकते हो, राइट, तो वो तो चेंज कर लो। और अगर आपसे कोई चीज़ हो नहीं पा रही है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि चीजों को टाइम लगता है, जे कर्व आने में टाइम लगता है। ग्रोथ कभी भी लीनियर नहीं होती कि मैंने इतना किया और मैं यहां पे पहुंच जाना चाहिए, मैंने इतना किया बहुत टाइम तक। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जब आप काम करने लग जाओगे ना, तो 6 महीने तक, 1 साल तक आपका ग्राफ बिल्कुल लीनियर रहेगा, बिल्कुल ऐसा रहेगा, ठीक है, लेकिन अचानक से बढ़ेगा, जे कर्व आ जाएगा बहुत स्पीड से। एग्जांपल के तौर पे उसेन बोल्ट के बारे में जानते होंगे आप, $30 million सिर्फ 3 मिनट के अंदर कमाए। यूट्यूब पे बकायदा वीडियो है इसकी, आप सर्च कर लेना, $30 million इन 3 मिनट्स बाय उसेन बोल्ट। मतलब $30 million सिर्फ 180 सेकंड के अंदर, मतलब एक सेकंड का $30 million का मतलब होता है 240 करोड़ रुपए, 240 करोड़ रुपए 180 सेकंड में, मतलब एक सेकंड का 1 करोड़ से ऊपर। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि 3 साल में 1 करोड़ कैसे कमाए, बट उस इंसान ने 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपए कमाया। क्या ये सच में 3 मिनट के अंदर हुआ था? नहीं, 20 साल लगे उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, उस सिचुएशन पे पहुंचने के लिए 20 साल का टाइम लग गया। 20 साल से मेहनत कर रहे थे, तब जाके उन्होंने 100 मीटर 10 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट किया, और उसके बाद उनको ये चीज़ मिली थी। तो मतलब समझ, सिंपल है ना, कि जब हम काम करना शुरू करेंगे, कोई भी इंसान हो, विराट कोहली को ले लो आप, अनिल कुंबले को ले लो आप, सचिन तेंदुलकर को ले लो, पैसा बाद में बनता है। वॉरेन बफे को ले लो, वॉरेन बफे की सबसे ज़्यादा संपत्ति जो है 90% संपत्ति अभी जाके बनी है, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ जो है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी स्किल्स हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो ना, मतलब बैड हैबिट्स भी हो, तो चीज़ें कंपाउंड होती हैं। एक झटके में आप बर्बाद नहीं हो सकते। आपकी कोई गंदी आदत है, एक झटके में आपको बर्बाद नहीं करेंगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत बर्बाद कर देंगी। तो आपको ये बात, आई होप ये थर्ड पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है, कमेंट करके बताते रहो कि सर ये पॉइंट से मैंने ये चीज़ सीखी। चौथा पॉइंट आता है हमारे एटॉमिक हैबिट्स किताब से, जिसके ऑथर है जेम्स क्लियर। बहुत क्लियरली एक बात बोलते हैं वो, कि 1% इंप्रूवमेंट अगर आप डेली अपनी लाइफ के अंदर लेके आते, तो सिर्फ 1%, ज़्यादा नहीं, 1%, ठीक है, जितना आप कल थे उससे थोड़े बेहतर आज, आज जितने हो उससे थोड़ा बेहतर कल, तो एक साल के अंदर आप 365% इंप्रूव कर जाते हो अपने आप को, राइट। मतलब क्या है, 36 गुना ज्यादा बेहतर बन जाते हैं आप एक साल के अंदर, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट। और यही उल्टा भी सही है कि 1% बर्बादी अगर एक दिन होती है, तो 365 दिन बाद, एक दिन अगर आपने काम नहीं किया, एक दिन अगर आपने स्किल्स को पॉलिश नहीं किया, 365 दिन के बाद आप 36 गुना डिग्रेड हो जाओगे, राइट। ये बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल है। अब क्या ये सच में प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम 1% डेली इंप्रूव कर पाएं? मतलब आज जैसे हम कोई किसी से बात कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि अगले दिन हम थोड़ा अच्छे से बात करें, 1% ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लें? तो ये देखो, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है, ठीक है, 1% इंप्रूवमेंट डेली कर पाना, कंसिस्टेंटली कर पाना, क्योंकि बीच में हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, हम कहीं मतलब कोई अय्याशी करनी होती है, कोई बहुत बड़ा शौक होता है हमारे अंदर कि भाई घूमने जाना है, अपने को पार्टियां करनी है, अपने कोई वाला फ़ोन खरीदना है, तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे होते हैं लाइफ में। तो इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए आपको 3 स्किल्स के ऊपर फोकस करना है मेजरली, ठीक है, और थोड़ा 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 इंप्रूव करते चलना है। 3 स्किल्स कौन से? पहला आपका कोर स्किल होना चाहिए, जिस स्किल के दम पे आप पैसा कमा रहे हो, या फिर कमाने वाले हो, या फिर आप सीखना चाहते हो, जो स्किल, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, वीडियो एडिटिंग जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने, मेरा अपना क्या है, मेरा सेल्स है, साथ में मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मास्टरी करी। तो आप कोई एक स्किल पकड़ो, ये हो गया आपका कोर स्किल। इसके बाद एडवांस्ड स्किल, तो वीडियो एडिटिंग का जैसे हमने एग्जांपल लिया, तो उसी के अंदर कैसे कलर करेक्शन सीख सकते हो आप, कैसे 3D एनिमेशन सीख सकते हो, VFX, जितना डीप डाउन जाते जाओगे, जितना एडवांस लेवल की चीजें सीखते जाओगे, उतना ज्यादा पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लोग प्यार से मुंह मांगा देंगे भाई, क्योंकि ऐसे रेयर स्किल्स की कमी है, मेरे से पूछ लो, मैं इस कहते ना दुख दर्द पीड़ा से पीड़ित हूं, ठीक है। तो जब मेरे को चाहिए होता है, मैं साफ बोलता हूं भाई, जितना पैसा चाहिए कोई भी बढ़िया बंदा लेके आओ और वो चीजें दो। थर्ड, आपको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना है, आपकी जो अंदर की स्किल्स है ना, मतलब अंदर जो है आपके, उसके ऊपर जितना ज्यादा काम कर लो उतना कम है। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए थे, MBA चाय वाला, आर्यन त्रिपाठी और अपना ही एग्जांपल। तो जब तक आपकी सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रांग नहीं होंगी, कम्युनिकेट, देखो दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट बना लो यार, दुनिया का सबसे महंगा छोड़ो, सबसे बढ़िया वैल्यू के हिसाब से सबसे तगड़ा प्रोडक्ट बनाया आपने, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को पिच नहीं कर पाएंगे, जो आपके अंदर है, जो स्टोरी है, जो फायदे आप जानते हो, वो फायदे जब तक सामने वाले के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे, प्रोडक्ट बिकेगा क्या, कंपनी चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, तब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी स्किल है, तो उसके ऊपर आपको मास्टरी हासिल करनी है। ये 3 स्किल्स पकड़ लीजिए और डेली थोड़ा 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 इंप्रूवमेंट करना। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, यहीं पे आता है कि सर डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी, तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ध्यान रखो कि दिमाग में घुस क्या रहा है।
डेली हमारे दिमाग में कोई चीज, जैसे खाना खाते टाइम पे हम थोड़े कॉन्शियस होते हैं ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं, थोड़े बहुत तो होते हैं, कभी कभी छोले भटूरे चल जाते हैं, बट थोड़े से कॉन्शियस होते हैं। अगर ज्यादा लंबे समय तक कचरा खाया तो पता है तुम्हें कि तुम्हें बीमारी लगने वाली है, तुम्हें कुछ ना कुछ बुरा होगा। सिमिलरली दिमाग में कहां से क्या घुस रहा है इसके ऊपर कॉन्शियसनेस लेके आनी पड़ेगी आपको, राइट। दिमाग में किन की किताबें पढ़ रहे हो, किन की वीडियोज देख रहे हो, किस इंसान के साथ बैठ रहे हो, किस इंसान से बातें कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिनके साथ थोड़ी देर बैठ के ना आपको ऐसा लगेगा कि भाई दुनिया बहुत बेकार है, भाई दुनिया बहुत गंदी है, बहुत घटिया है, सबके सब मतलब ही है। थोड़ी देर बैठ के आपको इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस आ जाएंगी कि आपको लगेगा भाई सच में यार दुनिया बहुत खराब है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ थोड़ी देर बैठ जाओ आपको लगेगा कि भाई मुझमें इतनी जान है, मुझमें इतनी पावर है, मैं दुनिया में दुनिया जीत सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या है कि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, जिस तरह की एनर्जी आपके आसपास होगी वैसी ही एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो बी वेरी क्लियर कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, अपने दिमाग के अंदर क्या लेके जा रहे हो। पांचवें पॉइंट पे चलते हैं, स्पेंड लाइक अ बेगर इन्वेस्ट लाइक अ किंग। 3 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं ना भाई, इस प्रिंसिपल को अपने अंदर घुसा लो। आपको पता है कोका कोला के जो सीईओ हैं वो 1 साल की जो उनकी सैलरी है वो $1 million के आसपास, बट वॉरेन बफे 1 दिन का सिर्फ डिविडेंड कोका कोला से 1 दिन का $1.5 million लेते हैं। मतलब सीईओ जितना कमा रहा है पूरे साल में उससे ज्यादा एक इन्वेस्टर 1 दिन में कमा रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है ये तो बड़े बड़े लोग हैं, मेरे को बताओ कि मेरे से कैसे रिलेवेंट हो सकता है। तो आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो बहुत पहले डाल चुका हूं मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर कि 500 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट करते तो उससे भी आप 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस 1 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हो। अगर ये वीडियो नहीं देखी, आई बटन के ऊपर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। और एक रूल है सिंपल सा कि अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स फंड मतलब भारत की ग्रोथ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अब डिटेल में इंडेक्स फंड क्या होता है उस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, इंडेक्स फंड में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं सेफली, आप 20,000 रुपए भी अगर 20 साल तक इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले हो। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ना ये बहुत बड़ा हवा नहीं है। इंसान क्या मैं इन्वेस्ट करता हूँ? बिल्कुल मैं इन्वेस्ट करता हूँ। आप कैसे कर सकते हो मैं बताऊंगा आपको। इसके ऊपर भी ये स्किल भी एक स्किल होती है, ये स्किल भी आप कैसे सीख सकते हैं बिल्कुल वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया 500 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कैसे कमाएं, वो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करना। याद रखना एक कोट को, स्पेंड लाइक अ बेगर इन्वेस्ट लाइक अ किंग। भिखारी की तरह पैसा खर्चो, भाई नहीं है मेरे पास, मैं गरीब हूं, लेकिन इन्वेस्ट करते टाइम पे आपको राजा वाली फीलिंग लेनी चाहिए। जो भी आप पैसा कमा रहे हो ना, मेरी अगर मानो तो कम से कम 50% पैसा आंख बंद करके देखो, वैसे भी नहीं तो खर्च हो जाएंगे, अगर नहीं डालोगे ना तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। आफत कोई ना कोई आती रहती है, कभी इसकी शादी आ जाएगी, कभी उसकी शादी आ जाएगी, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। भाई उठाओ और इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। अगर इन्वेस्ट कर दिए तो फिर दिमाग में आएगा ही नहीं कि तुम्हारे पास पैसा बचा, क्योंकि हमारी आदत है, हम मेंटली ऐसे डिजाइंड है कि हम सिर्फ अपने बैंक अकाउंट को चेक करते हैं। तो ये गेम खेल लो थोड़ा सा, लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति क्या भाई, सूखे करोड़पति बन जाओगे। एंड फाइनली जो 6th पॉइंट है हमारा, इसके अंदर मैं थोड़े से करियर ऑप्शंस बताने वाला हूं जहां से आप करोड़ों रुपए बहुत जल्दी बहुत आसानी से कमा सकते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन जो है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कोई बिजनेस आइडिया जो जबरदस्त हो, जो मार्केट में इंप्लीमेंटेड नहीं हो और एकदम यूनिक सा बिजनेस आइडिया हो, अगर उसके ऊपर आप अपना टाइम लगाते हैं, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला प्रोफेशन है भाई। मतलब रिस्क भी जबरदस्त होगा बट जब आएगा ना तो छप्पड़ फाड़ के आएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते तो किसी बढ़िया कंपनी के साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल को यूज कर सकते हो, वहां से भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू कर दो। इन्वेस्टमेंट्स मतलब या तो ट्रेडिंग भी कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अभी बताने वाला हूं कि कहां से आप ये सारी चीजें सीख सकते। तीसरा करियर ऑप्शन एजेंसी मॉडल। एजेंसी मॉडल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे एड एजेंसी मान लो, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, राइट। तो एजेंसीज क्या करती हैं, उनके बिहाफ पे एड्स चला देती हैं, या फिर एजेंसी का एक और काम होता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनके कनेक्शन में होते हैं। आपने ये चीज देखी होगी ना कि बहुत सारे आपके यूट्यूबर्स होते हैं, जो फेवरेट हैं आपके यूट्यूबर्स, वो अचानक से किसी वीडियो के बीच में किसी भी चीज की, किसी ऐप की प्रमोशन कर देते हैं कि भाई इस ऐप के अंदर अगर आप जाके ये डाउनलोड करोगे तो वहां पे ये फायदा होने वाला है आपको। मतलब क्या है, एक एजेंसी होती है जिसने इस इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट किया होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ बहुत सारे कंपनीज को कनेक्ट किया होता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत सारे कंपनीज होती हैं, और बीच में कमीशन बेस्ड काम होता है, लेकिन यहां से भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आर्यन त्रिपाठी का एग्जाम्पल लिया था, आर्यन त्रिपाठी इज ऑल्सो रनिंग अ कंपनी एडिमाइज, जो कि बेसिकली एड स्पेसिफिक कंपनी है, जहां पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होती है और जितना भी डिजिटल मार्केटिंग वाला काम होता है वो सारी चीजें होती है। तो देन अगेन ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। और आप क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलप करो, कोई भी एक स्किल पकड़ लो, फेसबुक एड्स पकड़ लो आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग पकड़ लो आप स्टॉक मार्केट के स्किल को डेवलप कर लो अपने अंदर, आप कोई भी एक स्किल पकड़ के यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, वीडियोस बनाने के ऊपर, रील्स बनाने के ऊपर, छोटे छोटे हुक्स कैसे दे सकते हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करवा सकते हो, कोई भी एक स्किल पकड़ो, मास्टरी हासिल करो, और उसके बाद देखो 1 करोड़ रुपए ना आए ना 3 साल के बाद
तो इसी वीडियो पे आके कमेंट करके बताना मुझे कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी बट 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, और आपकी मेहनत देखूंगा फिर उसके बाद। आपकी मेहनत आप डालना वहां पे इंस्टाग्राम हैंडल डालना कि हाँ भाई इतनी मेहनत मैंने करी है, जाके चेकआउट कर लो, पर फिर भी मैंने 1 करोड़ रुपए नहीं कमाए। पॉसिबल नहीं है, 100% कमाओगे क्योंकि प्रैक्टिकली अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ मैंने ये चीजें शेयर करी आपके साथ। अब जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एंड में एक वेबसाइट का नाम बताने वाला हूं जहां से आप ये सारे स्किल्स सीख सकते हो, ठीक है, जितने भी स्किल्स मैंने अभी तक बताए, वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया, ट्रेडिंग, क्या मैं ट्रेडिंग करता हूं, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर हाइलाइट्स में एक फाइनेंस नाम का हाइलाइट होगा, उसको जाके चेक करना, आपको दिखेगा कि एक एक दिन का मैंने 70,000 रुपए भी कमाए। हाँ, लॉसेस होते हैं बट प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर वो स्किल पकड़ लिया आपने तो 70,000, 50,000, ठीक है, 10,000, 5,000 रुपए तो दिन का निकाल ही लेगा एक इंसान अगर तरीके से सीख लेता है। तो मैंने आपको बीच में बताया था कि एक वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर ये सारे ट्रेंडिंग स्किल्स आप सीख सकते हैं और बहुत सारा पैसा आप इन स्किल्स को सीख के कमा सकते हो। वेबसाइट का नाम है iDigitalPreneur.com, जहां पे सारे के सारे ट्रेंडिंग स्किल्स जो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है वो स्किल्स आप सीख भी सकते हो, आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। ये भी सिखाया जाता है वहां पे कि कैसे आप फ्रीलांस करोगे, स्किल को सीखने के बाद मोनेटाइज कैसे करोगे। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे इस कंपनी की लगती है वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर आप सीख तो सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, बट उसके बाद क्या करें, कैसे करें, मोनेटाइज कैसे करें और उसके बाद जो डाउट्स वगैरह होते हैं वो क्लियर करने का ऑप्शन होता ही नहीं है। बट यहां पे मार्केट एक्सपर्ट्स जो जबरदस्त लोग हैं, जैसे आर्यन त्रिपाठी के बारे में बताया, उनका भी एक कोर्स है, उनके लाइव सेशंस बहुत सारा होते रहते हैं। अब एक चीज सोचना सिंपली कि एक इंसान जिसने 10 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी, ठीक है, 18 साल की उम्र में, अगर वो इंसान जिस स्किल के दम पे उसने इतना बड़ा वैल्यूएशन किया अपनी कंपनी का, वो स्किल अगर आपको सीखने को मिलता है वो भी बहुत सस्ते दामों में, तो कैसा सौदा है, आप खुद सोच के देखना ये चीज, ठीक है। और उनके लाइव सेशंस भी होते हैं, जैसे शार्क टैंक के ऊपर गुरुनंदन सिंह आए थे, उनके लाइव सेशंस हो चुके हैं एंटरप्रेन्योर के अंदर। रिद्धिमा अरोड़ा जो नम्या फूड्स की फाउंडर है, उनके सेशंस हो चुके हैं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लोग। मेरे खुद के कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं उसके ऊपर। सेल्स का कोर्स है मेरा जिसमें जबरदस्त लेवल से मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे की जाए ये सारी चीजें सिखा रखी है उसके अंदर। यूट्यूब का कोर्स है कि 0 सब्सक्राइबर्स से अगर आप चेहरा भी नहीं दिखा सकते तो भी आप किस तरीके से जबरदस्त लेवल पे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो यूट्यूब से, ठीक है। वो चीजें एकदम स्क्रैच लेवल से सिखा रखे। रील्स पे कैसे मास्टरी हासिल कर सकते हो, इंस्टाग्राम को कैसे बढ़ा सकते हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो, ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके iDigitalPreneur की वेबसाइट को चेकआउट जरूर करना, और अगर इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं, iDigitalPreneur से आप स्किल तो सीख ही सकते हो, फ्रीलांस भी कर सकते हो। एक और अच्छी बात बताऊं, आप यहां पे एफिलिएट मॉडल से भी हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेस्टिमोनीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग पैसा कमा चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, हाइलाइट्स के अंदर iDigitalPreneur नाम से एक हाइलाइट मिलेगा, आप जाके देखना कि लोग कितने ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो iDigitalPreneur को कंप्लीटली समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है, जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को फॉलो करना है, एक वीडियो मिल जाएगी 28 मिनट की, उसको कंप्लीटली वॉच आउट करना है एंड आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप एक स्किल के ऊपर मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं एंड कैसे आप 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमा भी सकते हैं। और अगर आप iDigitalPreneur के अंदर किसी के साथ भी कनेक्टेड हो जिन्होंने हो सकता है आपके साथ ये वीडियो शेयर की हो, तो उनके साथ आप डायरेक्टली पूछ सकते हो उनसे कि आप कैसे यहां से बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं, आप कैसे इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन सकते हैं। हो सकता है वो आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर दें एंड आपको जल्दी हेल्प मिल जाए। ऑलराइट, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर एक जबरदस्त कॉन्टेंट के साथ। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।